दोस्तों, ये मेरा एसक्यू लाइट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको किसी टेबल से डेटा फिल्टर करना है तो आप कैसे करेंगे और किस किस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे वेबसाइट लर्न फ्रॉम राकेश डॉट कॉम को भी एक्सेस करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेटा फिल्टरिंग में सबसे पहले हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड को देखते हैं। जैसे सपोज दैट यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा एक टेबल डिस्प्ले हो रहा है, इसमें किसी भी कॉलम में अगर हम जाएंगे, जैसे यहाँ पर डेजिनेशन वाले कॉलम में आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं काउंसलर है, सुपरवाइजर है, फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है। तो इस तरह से कुछ ऐसे डेजिनेशन है जो कि रिपीट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही बार आपको दिखाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड। मतलब डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है कि जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है उसको जो है वो रिमूव कर देता है। जैसे यहां पर अगर हम ऐसे लिखते हैं सिलेक्ट और उसके बाद मैं लिखता हूं डिस्टिंक्ट, ठीक है, और डिस्टिंक्ट के बाद अगर मैं यहां पर डेजिनेशन लिखता हूं और फ्रॉम मैं यहां पर लिखता हूं ltt.emp, तो जैसे यहां पर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर मैनेजर, काउंसलर, मतलब जितने भी डेजिनेशन है उसको शो कर रहा है। पर सपोज डेट यहां पर अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड हटा देंगे तो ये क्या करेगा कि रिपीट करके दिखाएगा। जैसे एग्जीक्यूटिव मैनेजर, दो लोग एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे तो यहाँ पर दो बार एग्जीक्यूटिव मैनेजर दिखाएगा। मतलब एक तरह से यह क्या कर रहा है, डेजिनेशन वाले कॉलम को एज इट इज डिस्प्ले कर दे रहा है। पर आप चाहते हैं कि नहीं, रिपीट ना हो, तो उस केस में आपको कीवर्ड यूज करना है डिस्टिंक्ट। तो जैसे आप डिस्टिंक्ट लिखेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कोई भी डेजिनेशन जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर सपोज दैट कि आपको जो है कुछ कंडीशंस के बेसिस पे डेटा को शो करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, ठीक है, वेयर के बाद मैं क्या करूंगा कि मुझे उन्हीं का डेटा देखना है जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो जैसे ही मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, तो आप देख रहे हैं पूरा रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हो रहा है, केवल उन्हीं का डिस्प्ले हो रहा है जिनकी सैलरी जो है 50,000 से ज्यादा है। अब यहां पर क्या है कि दूसरा तरीका यह है डेटा फिल्टर करने का कि मुझे केवल 4, 5 और 6 इंप्लॉय नंबर का ही डेटा देखना है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वेयर इंप्लॉय नंबर इन, उसके लिए हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर और ब्रैकेट में लिखेंगे 4, 5, 6। तो इससे क्या होगा कि आप देख रहे हैं 4, 5, 6 इंप्लॉय नंबर का ही डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू के साथ कंपेयर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं नहीं, मुझे 4, 5, 6 इंप्लॉय नंबर का डेटा नहीं देखना है, बाकी सब का देखना है, तो आपको यहां पर लगा देना पड़ेगा नॉट। तो जैसे आप नॉट इन करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 4, 5 और 6 का डेटा नहीं दिख रहा है, बाकी सभी लोगों का डेटा दिख रहा है। उसके बाद सपोज दैट कि आपको यहां पर जो है डेटा मुझे देखना है उनका, जिनका सैलरी, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, किसके और किसके बीच में हो, जिनका 50,000 एंड 70,000, ठीक है, जिनकी सैलरी 50,000 और 70,000 के बीच में हो, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या किया, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं उन्हीं की सैलरी या उन्हीं का डेटा दिख रहा है जिनकी सैलरी 50,000 से 70,000 के बीच में है। 50,000 से पहले वाले भी हट गए और 70,000 से बाद वाले भी हट गए। तो इस तरह से आप बिटवीन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक का डेटा दिखे तो उसके लिए आप बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सपोज दैट मुझे उन्हीं का डेटा देखना है जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम
लाइक और उसके बाद यहां पर यूज करेंगे आर परसेंटेज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये परसेंटेज का मतलब क्या है। यहां पर क्या होता है कि दो वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, यहां पर दो वाइल्ड कार्ड यूज होता है, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब होता है जीरो और मोर करेक्टर, मतलब यहां पर जो है किसी का नाम आर से स्टार्ट हो, आगे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो यहां पर मैच कर जाएगा। अगर यहां पर आप अंडर स्कोर लिखते हैं तो अंडर स्कोर केवल एक करेक्टर को मैच करता है। तो जैसे यहां पर हमने एंटर किया तो आप देखेंगे राकेश, राहुल, ऋषभ और राकेश, इनका डेटा यहां पर डिस्प्ले हो गया। पर सपोज दैट आप चाहते हैं कि आर से नाम स्टार्ट हो पर उसके बाद केवल चार करेक्टर हो, तो हम यहां पर अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, मैंने चार अंडरस्कोर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है मुझे उस इंप्लॉय का डिटेल देखना है जिसका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है बट उसके बाद केवल और केवल चार करेक्टर है। तो यहां पर मैं एंटर करता हूं तो यहां पर केवल राहुल ही एक ऐसा नाम है जिसका नाम आर से स्टार्ट होता है और उसके बाद चार करेक्टर है, क्योंकि राकेश और ऋषभ में क्या है कि आर के बाद पांच करेक्टर आ रहा है। तो यहां पर क्या है, जो परसेंटेज है वो जीरो या जीरो से ज्यादा करेक्टर के साथ मैच करता है, मतलब कितना भी करेक्टर हो। जबकि अंडरस्कोर क्या करता है, अंडरस्कोर केवल एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर मैंने चार अंडरस्कोर लगाए, इसका मतलब आर के बाद केवल चार करेक्टर ही होना चाहिए। अगर तीन करेक्टर होगा तो भी उसको नहीं दिखाएगा और अगर पांच करेक्टर होगा तो भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। हालांकि डेटा फिल्टर करने के और भी तरीके हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।